तो दोस्तों, आज ये वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा बहुत ही अलग सा एक प्रॉब्लम कि देखिए, ये मार्केट का किट है जो चाइना किट कहा जाता है। तो इसका जो पावर सेक्शन, ये पूरा तरह से फॉल्ट हो गया। मतलब ये चॉपर, ये पोजीशन का चॉपर जल गया था। तो ये चॉपर मैं चेंज किया, मैं अच्छा करके नहीं देखा, बट ये चॉपर मैं लगाया। और इसका चॉपर लगाने के बाद इसका पावर तब भी प्रॉब्लम मिला। तो इसका अंदर ये जो जेनर डायोड देखा जाता है, ये शॉर्ट मिला। ये सब मैं चेंज करके पावर को रेडी किया। अभी इसी टाइम देखिए, एक न्यू फॉल्ट है। आप अच्छा करके देखिए, बहुत ही न्यू इंटरेस्टिंग फॉल्ट है। देखिए, मैं अच्छा करके नहीं देखा, अभी इसी टाइम जो मिला, तो आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। मीटर को 200 DC रेंज पर सिलेक्ट किया और मीटर का नेगेटिव कोड मैं यहाँ पर कनेक्शन किया, ठीक है। तो चलिए, अभी इसी टाइम आपको वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। इसका पावर प्रॉब्लम रेडी हो गया, मतलब इसका आउटपुट अलग अलग वोल्टेज नहीं बन रहा था, ये सब बन गया। ये पावर फॉल के बजाय पावर रेडी करने के बाद ओके हो गया। चलिए, अभी मैं सप्लाई दे के आपको देखा, तो मैं सीरीज लाइन से ही फर्स्ट टाइम सप्लाई दे देता हूँ, ठीक है। देखिए, सप्लाई दे दिया, देने के बाद इसका 110 वोल्ट लाइन पर कितना वोल्ट है आप देखिए, मीटर पर फॉलो कीजिए। ये 110 वोल्ट लाइन है, यहाँ पर देखिए वोल्टेज 116 वोल्ट। तो मतलब इसका पावर ओके है। तो चलिए, आपको और अलग अलग वोल्टेज टेस्ट करके दिखाऊंगा। देखिए, इसका 110 वोल्ट जो ESD सप्लाई अभी ओके है, मतलब 110 का जलाए और जाएगा 116 वोल्ट, देखिए, ठीक है। और उसका बाद इसका दूसरा नंबर जो डायोड है, यह पर देखिए 0 वोल्ट है, कुछ भी वोल्टेज नहीं है। तो मतलब ये जो सप्लाई जा रहा है, ये जो सप्लाई लाइन, ये देखिए बीच में जम्पर है और ये वर्टिकल सेक्शन पर सप्लाई आता है और ड्राइवर पर सप्लाई आता है। तो दोस्तों, ये जो ड्राइवर कॉइल है, ये ड्राइवर कॉइल पर भी कुछ भी सप्लाई नहीं है। आप अच्छा करके देखिए, ये ड्राइवर कॉइल पर कुछ भी सप्लाई नहीं है। तो ये डार्ट का पास कुछ भी वोल्टेज नहीं है जो वर्टिकल सप्लाई होता है। उसका बाद रेगुलेटर सेक्शन लाइन का अंदर देखिए, 11 वोल्ट सप्लाई है, 11-12 वोल्ट के आसपास। और जो साउंड आईसी पर सप्लाई जाता है, यहाँ पर देखिए 15 वोल्ट की जगह 16 वोल्ट ये सप्लाई है। तो मतलब इसका सब कुछ वोल्ट ओके है, और सिर्फ वर्टिकल सप्लाई और डाइवर्स सप्लाई जो होता है, इसके अंदर सप्लाई नहीं है। तो इसका रीजन क्या है, तो देखिए, मैं सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद आपको दिखाना चाहता हूँ, अच्छा करके फॉलो कीजिए। तो देखिए, ये जो चॉपर मैं लगाया, ये अच्छा करके मैं नहीं देखा, बट इसका अलग अलग मेन ये साइड कनेक्शन देखा, ये सब कनेक्शन देखा। देखने के बाद तो दोस्तों देखिए, ये 110 वोल्ट का और ये नेगेटिव का, ठीक है, इसका ऊपर। और ये ओपन पिन है, इसका साथ कुछ भी कनेक्शन नहीं है, बट दोस्तों ये भी ओपन पिन है। आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर कुछ भी चॉपर का पिन नहीं है। अब अच्छा करके देखिए, ये ओपन है, तो क्या करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ से वोल्टेज आउटपुट नहीं हो रहा है, ठीक है दोस्तों। बाकी अलग सबका पिन कनेक्शन है। तो आप इधर से देखेगा तो ये देखिए, नीचे से 1, 2, 3, ये 4 नंबर, नीचे से 4 नंबर, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये नीचे से जो 4 नंबर देखिए, ये देखिए 1, 2, 3, 4, देखिए 4 नंबर पोजीशन ओपन है, कुछ भी कनेक्शन नहीं है। तो दोस्तों, इसी तरह प्रॉब्लम कैसे रेडी किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए, थोड़ा सा दिमाग लगा के एक बार देखना पड़ेगा कि यहाँ पर वोल्टेज कैसे रेडी किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपको दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, मैं थोड़ा सा इसी तरह किया, देखिए छोटा सा एक वायर ले लिया, ठीक है, इसी तरह का वायर लेके, ये जो ओपन पिन है जो वर्टिकल सप्लाई और डाइवर्स सप्लाई का, यहाँ पर मैं कनेक्शन किया एक वायर, ठीक है, ये जो वायर मैं कनेक्शन किया, ठीक है। और ये देखिए कितना टर्न दे दिया, देखिए यहाँ से 1, 2 और ये 3, ठीक है। तो यहाँ पर गांड मारेगा तो दोस्तों 3 टर्न होगा। और ये जो कनेक्शन मैं किया, तो दोस्तों ये साउंड जो ऑडियो आईसी होता है, ऑडियो आईसी पर जो सप्लाई जाता है वो पॉइंट पर, ठीक है, ये पॉइंट पर, मतलब ये एसी जैसे जिस पॉइंट से आउटपुट होता है। तो चलिए, आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ
कि थोड़ा सा इसको इधर काट देता हूँ। करने के बाद अब अच्छा करके फॉलो कीजिए कितना टर्न दे दिया, ठीक है। और ये पोजीशन आप फॉलो कीजिए। ये जो डाइवर्स सप्लाई और वर्टिकल सप्लाई, यहाँ पर मैं कनेक्शन किया एक्वायर को। तो दोस्तों यहाँ पर 26.5 वोल्ट ये पॉइंट लिखा है। तो दोस्तों ये चॉपर का ये पिन ओपन है, मैं यहाँ पर कनेक्शन किया। और ये जो साउंड आईसी पर ये जो सप्लाई ये डायोड से जा रहा है, तो ये चॉपर पिन पर, तो दोस्तों ये 13 से 15 वोल्ट यहाँ पर जो लाइन यहाँ पर पिन है, तो यहाँ पर मैं कनेक्शन किया, ठीक है। कनेक्शन करने का बाद चलिए मैं आपको सप्लाई देखिए एक बार दिखाता हूँ। देखिए मीटर का ये मैं 200 DC रेंज पर सिलेक्ट करके रखा हूँ। और चलिए और मीटर का नेगेटिव कोड यहाँ पर ही मैं कनेक्शन किया, ठीक है। तो चलिए एक बार सप्लाई देखिए आपको दिखाता हूँ। मैं सीरीज लाइन से ही सप्लाई दे देता हूँ। देखिए मैं सप्लाई दे दिया। देने का बाद फर्स्ट इसका 110 वोल्ट लाइन पर कितना वोल्ट आ रहा है, ये देखिए 110 वोल्ट लाइन पर अभी 107 हो गया। तो EST लोड पर है, EST दोस्तों ऑन भी हो गया। और ये डाइवर सप्लाई कितना हो गया दोस्तों, 20 वोल्ट, ठीक है, 21 वोल्ट के आसपास ये आ गया। अब अच्छा करके देखिए। और उसका बाद रेगुलेटर सेक्शन सप्लाई जो आपको दिखाया ये 10 वोल्ट हो गया, ठीक है। और उसका बाद ये साउंड आईसी का सप्लाई, ठीक है, ये सप्लाई देखिए 15 वोल्ट के आसपास हो गया। मतलब दोस्तों ये जो वोल्ट 26 वोल्ट के आसपास होना चाहिए, बट ये 20 वोल्ट है। एक्चुअली दोस्तों ये पिन पर 26 वोल्ट के आसपास आना चाहिए। तो कैसे वो वोल्ट एडजस्ट किया जाता है आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ करके देखूंगा। तो दोस्तों मैं हाई करके भी देखूंगा और लो करके भी देखूंगा। मतलब जो चॉपर का अंदर जो वायर में टर्न जितना टर्न देख के दिखाया उसको मैं हाई करके देखूंगा और लो करके देखूंगा, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। आप शुरू से लास्ट तक देखिए, आपका बहुत नॉलेज मिल जाएगा। और दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद लास्ट में एक क्वेश्चन करूँगा, वो क्वेश्चन का आंसर आप जरूर देने के लिए कोशिश कीजिए। बार दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, फर्स्ट टाइम जो ट्राई किया इसका अंदर मैं कनेक्शन किया, और ये जो वायर है ये वायर को मैं, ये जो नेगेटिव है, ठीक है, ये जो मेन PCB का नेगेटिव, इसका साथ मैं कनेक्शन किया। ये इधर से मैं बाहर किया वायर को, बाहर करने के बाद ये नेगेटिव के साथ कनेक्शन किया। कनेक्शन करने के बाद जो देखा कि ये वायर यहाँ पर कनेक्शन करने के बाद और यहाँ पर कनेक्शन करने के बाद इसका टोटल जो अलग अलग आउटपुट वोल्टेज पूरा जीरो मिला, ठीक है, कुछ भी वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहा है, पूरा जीरो हो गया था। तो उसका बाद मैं ये वायर को यहाँ से ओपन किया। ओपन करने के बाद क्योंकि ये पॉइंट से दोस्तों 15 वोल्ट का आसपास आउटपुट होता है, ठीक है, तो इसीलिए मन में लगता है कि यहाँ पर कनेक्शन मैं करूँगा तो 15 वोल्ट का आसपास भी ये लाइन का अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो बट दोस्तों यहाँ पर 20 वोल्ट मिल रहा है, 21 वोल्ट का आसपास मिल रहा है। तो दोस्तों एक्चुअली यहाँ पर 26 वोल्ट का आसपास होना चाहिए। तो किस तरह मैं ट्राई करूँगा देखिए, इसका अंदर मैं ये वायर को 3 टर्न लगाया, ठीक है, 3 टर्न लगाया फर्स्ट। उसका बाद आपको देखूंगा कि इसका 1 टर्न मैं कम करूंगा, 2 टर्न लगा के देखूंगा, ठीक है, और उसका बाद 1 टर्न लगा के भी देखूंगा कि कितना वोल्ट आ रहा है। और उसका बाद आपको पता चल जाएगा, और इसका बाद जो पता चलेगा कि इसका प्रॉपर वोल्ट एडजस्ट करने के लिए कितना टर्न देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं ये तार को मैं ओपन करूँगा, ओपन करने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं ये 2 टर्न लगाया, अब देख सकते हो 1-2 टर्न लगाया, और जिस तरह इसका कनेक्शन ये मैं सेमी कनेक्शन किया, ठीक है। कनेक्शन करने के बाद क्या इसका अंदर वोल्टेज बढ़ेगा कि कमेगा, डाउन होगा, ये भी आपको दिखाना चाहता हूँ। तो चलिए PCB को थोड़ा सेट करना पड़ेगा, ESD को थोड़ा दूर रखना पड़ेगा, और मीटर को मैं चलिए यहाँ पर ही रखता हूँ। रखने के बाद आपको सप्लाई देके दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए मैं सप्लाई दे दिया, ठीक है। सप्लाई देने का बाद फर्स्ट आपको देखूंगा कि 110 वोल्ट लाइन, तो 110 वोल्ट लाइन पर वोल्टेज 160 है, और यहाँ पर वोल्टेज जो 21 वोल्ट मिला अभी दोस्तों देखिए 19 वोल्ट मिल रहा है। अब अच्छा करके देखिए, यहाँ पर 19 वोल्ट मिल रहा है, थोड़ा वोल्टेज डाउन हो गया, ठीक है। और रेगुलेटर सेक्शन सप्लाई कितना है, 11 वोल्ट, और साउंड सप्लाई कितना है तो दोस्तों 15 वोल्ट। तो दोस्तों इसी टाइम क्या मिला कि इस तरह एक्सपेरिमेंट करने के बाद
यहाँ पर 1 से 1.5 वोल्ट का आसपास ये डाउन हो गया 1 टर्न कम करने का बजाय। तो दोस्तों चलिए मैं फिर भी आपको दिखाऊंगा ये जो टर्न मैं लगाया ये टर्न को फिर भी 1.5 टर्न मैं कम कर दूंगा और उसके बाद 1.5 टर्न लगा के देखूंगा कि कितना वोल्ट मिल रहा है। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों देखिए अभी इसी टाइम मैं ये 1 टर्न दे दिया। 1 टर्न देने के बाद इस तरह मैं कनेक्शन कर दिया, जिस तरह कनेक्शन मैं सेम किया सेम ही कनेक्शन किया। तो उसके बाद चलिए मैं आपको दिखाऊंगा कि वोल्टेज अभी कितना मिल रहा है, ठीक है। तो आप ये वीडियो लास्ट तक वॉच कीजिए, न्यू टेक्नीशियन को बहुत नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए ये देने के बाद आपको इसी टाइम भी वोल्टेज एक बार चेक करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब थोड़ा वेट कीजिए और चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ, ठीक है। मैं सप्लाई दे दिया, सप्लाई देने के बाद तो दोस्तों 110 वोल्ट लाइन पर, तो दोस्तों अभी वोल्टेज नहीं है। तो दोस्तों इसका रीज़न क्या है, देखिए वोल्टेज कुछ टाइम बाद ही आता है, ये मैं नोटिस किया कुछ टाइम। देखिए ये आ गया 110 वोल्ट, ठीक है। और उसके बाद ये सप्लाई कितना हो गया, तो दोस्तों ये सप्लाई देखिए बहुत ही ड्रॉप हो गया, 17 वोल्ट हो गया। तो दोस्तों इस तरह जो एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाया तो मन में क्या लगता है कि मैं ये जब 1.5 टर्न में कम कर दिया तो ये फिर भी 1 से 1.5 वोल्ट डाउन हो गया, मतलब 1 टर्न का बजाय 1 से 1.5 वोल्ट, ठीक है, डाउन हो गया। तो आप ही खुद कैलकुलेट कर सकते हो कि इसका अलग अलग जो वोल्टेज है कुछ भी डाउन नहीं हो रहा है, सब कुछ प्रॉपर वोल्ट है, तो कितना टर्न देना पड़ेगा। कितना टर्न देने का बजाय देने का बाद 25 और 6 वोल्ट का आसपास हो जाएगा। तो दोस्तों आप खुद ये कैलकुलेट कर सकते हो, ये कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। फर्स्ट आपको 3 टर्न जो 3 टर्न दे के दिखाया 20 वोल्ट और 21 वोल्ट का आसपास मिला, और 1 टर्न कम करने के बाद वो भी आपको प्रैक्टिकली दिखाया, और सिंगल 1 टर्न देने के बाद वो भी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया। आप खुद ही बताइए कि कितना टर्न देने के बाद 25 और 6 वोल्ट का आसपास हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये बताने का ज़रूरत नहीं है। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आपको शेयर किया, आप अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए।